हेलो किड्स, वेलकम टू एबीसी किड्स लर्निंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, दैट इज 1-2। ये चैप्टर है क्लास 1 की इंग्लिश एनसीईआरटी बुक रेन ड्रॉप्स में से। 1-2 काउस मू, 3-4 लायन रोर, 5-6 द क्लॉक टिक्स, 7-8 इट्स गेटिंग लेट, 9-10 लेट्स से इट अगेन। तो इस चैप्टर का क्या मीनिंग है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1-2 काउस मू, मतलब जो काउ होती है, गाय होती है, वो कैसे बोलती है, मू मू। 3-4 लायंस रोर, जो लायन शेर होता है वो कैसे बोलता है, रोर करता है, दहाड़ मारता है। रोर को हिंदी में क्या बोलते हैं, दहाड़ मारना। 5-6 द क्लॉक टिक्स, जो क्लॉक होती है, घड़ी होती है, उसके अंदर जो सुई धीरे 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 चलती रहती है, तो कैसी आवाज आती है, टिक टिक टिक, तो क्लॉक टिक्स। 7-8 इट्स गेटिंग लेट, लेट हो रहा है, गेटिंग लेट मतलब लेट होना, 7-8 लेट हो रहे हैं। 9-10 लेट्स से इट अगेन, से मतलब बोलना, इट अगेन फिर से हम बोलते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या सीखना है, राइमिंग वर्ड्स। इसके पहले चैप्टर में हमने क्या सीखा था, एक्शन वर्ड्स। अब हम सीखते हैं राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनको स्पेलिंग अलग अलग होती है, लेकिन जब हम उनको बोलते हैं तो लास्ट में सेम साउंड निकलता है। जैसे TWO 2, तो क्या निकला लास्ट में मुंह से, ऊ, टू। और काउ कैसे बोलती है, मू, MOO मू, तो ऊ। तो टू बोलो या मू बोलो, दोनों के लास्ट में क्या निकलता है साउंड, ऊ। तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड कौन से हो गए, टू मू। सेकेंड लाइन में क्या है, 3-4 लायंस रोर, 4, तो क्या निकल रहा है लास्ट का साउंड, ओर। और यहाँ पे लायन कैसे बोलता है, रोर, ओर, तो 4 रोर, 2 मू, 4 रोर। नेक्स्ट क्या है, 6 टिक्स, 6 में भी क्या आ रहा है, एक्स का साउंड आ रहा है, और टिक्स में भी क्या आ रहा है, एक्स का साउंड आ रहा है। फिर है 8 लेट, 8 8 8, और लेट ल 8 लेट, 8 लेट। 10 अगेन, 10 अगेन। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमने कितने राइमिंग वर्ड सीखे, 2 मू 1, 4 रोर 2, 6 टिक्स 3, 8 लेट 4, 10 अगेन 5। तो टोटल 5 राइमिंग वर्ड सीखे इस चैप्टर में हम लोगों ने।